हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो ये वीडियो रहेगी कि भाई अभी रेलवे में क्या अपडेट है और आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ था पटना में उसका क्या रिजल्ट निकला तो बात शुरू करते हैं तो आज जो आज भी काफ़ी विरोध हुआ था काफ़ी प्रोटेस्ट किया शांतिपूर्वक ढंग से तो लेकिन बाद में सबको अलग थलग कर दिया गया तो वहां से हार थक के सभी बच्चे जो हैं वो खान सर के पास आए तो खान सर की भी आज मीटिंग हुई थी रेलवे वालों से तो उसका उन्होंने अभी क्या आश्वासन दिया हम उसकी बात करते हैं तो खान सर ने सीधी बात बोली है कि वैकेंसी बढ़ने की बात हो रही है और हो सकता है कि इस बार टेक्निकल और ए का अलग अलग एग्जाम होगा और जो तीसरी बात उन्होंने कही कि आपका जो एन का एग्जाम एन का जो वैकेंसी है वो भी आपको एक हफ्ते में देखने को मिलने वाला है पच्चीस हज़ार से ज़्यादा सीटें रहने वाली हैं एन में और होपफुली इस बार एज रिलैक्सेशन की भी बातें चल रही हैं पर अभी कोई कंक्रीट बात नहीं निकल के आई है ना ही रिटर्न कुछ आया है तो उसकी आप वेट करो अगर वो आ जाता है तो आप लोग भी अच्छे से स्टडी करो इस बार अपना एग्ज़ाम निकालो और वैसे भी उनतीस तारीख को अभी ऑनलाइन मीटिंग भी है सभी टीचरों की और ये जो रेलवे के चेयरमैन है उनकी तो अभी दो तीन दिन लगभग ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी लेकिन हमें अपना ट्विटर पे डेली एक पोस्ट डालने डालना है और अगर हो सके अगर आप पास हो तो आप लोग भी जाके जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी हेल्प करो और शांतिपूर्वक ढंग से बस अपना बताओ कि भैया हम इस वैकेंसी से खुश नहीं है हमें कम से कम उतनी वैकेंसी चाहिए कि हम लोग सर्वाइव कर पाए सिक्स साल का जो आपने नहीं दिया एग्जाम और जिसकी एज जो निकल गई है उसको एटलीस्ट एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए यह हमारा हक है यह हमें जरूर मिलना चाहिए और अगले साल से चाहे आप ईयरली वाइज कैलेंडर के हिसाब से अपनी वैकेंसी देते रहिए तो आज के लिए बस इतना